माँ क्यों मर जाती है? बचपन में जब कभी ऐलान होता फलां की वालदा फोत हो गई हैं, तो मैं दौड़कर घर आती, माँ के दामन से लिपट जाती। माँ कभी गुस्सा भी हो जाती, कमली हो क्या, क्या हुआ है? मैं इजहार से डरती थी, मौत के नाम से डर जाती। कभी कभी मैं सोचती कि अपनी माँ से पहले मर जाऊंगी, लेकिन फिर सोचती कि माँ भी तो रोएगी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे सोचती कि माँ की तो और भी बेटियां हैं, मेरे पास तो एक ही माँ है। रात को जिद करके माँ के पास सोती, माँ दूसरी तरफ मुंह करके सोती, तो मैं माँ के अपनी तरफ मुंह करने तक जागती रहती। और जैसे ही मेरी माँ मेरी तरफ मुंह करती, तो माँ की सांसें मुझे तपते सहरा में बादे सबा के झोंकों की तरह महसूस होती। माँ के जिस्म की खुशबू मुझे मश्क अंबर से ज्यादा भली लगती। उस दिन न जाने क्यों मेरे पांव मनो वजनी लग रहे थे। मैं माँ को अलविदा करने एयरपोर्ट तक आई। माँ रुखसत होकर वापस पाकिस्तान जा रही थी। जाते समय माँ की आंखों में न जाने क्या था, मैंने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। माँ ने कहा था, अच्छा बेटी, अपना बहुत सा ख्याल रखना। आखिरी बात माँ की आज भी मुझे रुला देती है, बेटा तेरी आवाज नहीं आती। और मैं आज सोचती हूँ, माँ कहाँ हो तुम, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती? और लाइन कट गई। शाम को माँ चली गई, लाइन हमेशा के लिए कट गई, लेकिन दुआओं की लाइन तो कभी नहीं टूटी ना। माए ओ मेरी भोली माए, अगर तकदीर इजाजत देती तेरे साथ उतर जाती मैं घोर के घुप अंधेरों में, जिनकी माए हयात हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल इन्हें जिंदगी दे, और जिनकी माए वफात पा गई, अल्लाह अज़्ज़वजल इन्हें सबर दे। आमीन।